भी शराब की बहार है, जहरीली शराब के कारण मचा हाहाकार है, शराबबंदी कागजों पर लागू है और सो रही पुलिस और सरकार है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश का सवाल में। शराबबंदी वाले बिहार में अवैध शराब का कारोबार करने वालों ने सरकार के मुंह पर एक बार फिर करारा तमाचा जड़ा है। उन्होंने मेले में खुलेआम जहरीली शराब बेची और इसे पीकर 50 से ज्यादा लोग स्वर्ग से धार गए। कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। सिवान और सारण जिलों में हुई इस घटना ने एक बार फिर नीतीश सरकार की पोल खोल दी, लेकिन नीतीश सरकार की पोल भी इतनी बार खुल चुकी है कि पोल को भी अब खुलने में शर्म आ रही होगी। लेकिन सरकार की पेशानी पर कोई बल नहीं। पहले भी शराबबंदी के दौरान जहरीली शराब पीने से लोगों के मरने की कई वारदात हो चुकी है। 2 साल पहले ही दिसंबर 2022 में सारण में ही सबसे बड़ी वारदात हुई थी। तब जहरीली शराब पीने से 71 लोगों की जान गई थी। अकेले मशरक में 44 लोग मारे गए थे। फिर भी ताजा जहरीली शराब कांड का कनेक्शन भी मशरक से ही पाया गया। घटना के बाद पकड़े गए लोगों में मशरक के कुछ धंधेबाज भी शामिल हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति होती है। आज तक आपने नहीं सुना होगा किसी डीएसपी या एसपी रैंक के अधिकारी नपे हों। सवाल है कि जहरीली शराब का कारोबार क्या बिना सिस्टम की मिलीभगत से फल फूल सकता है, और सरकार इस पर मौन क्यों है? साफ है, नीतीश सरकार शराबबंदी को लागू करवाने में पूरी तरह नाकाम हो रही है और पुरानी घटनाओं से सबक भी नहीं ले रही है। सवाल है कि शराबबंदी को सिर्फ कागजों पर लागू कर क्या साबित करना चाहते हैं नीतीश कुमार? आखिर कब तक साल दर साल लोग जहरीली शराब से मरते रहेंगे? मैं तो कह रहा हूं कि शराबबंदी पूरी तरह से बिहार में लागू है और सरकार और सबकी सहमति से लागू हुई है, तो जिम्मेदारी बनती है कि इस शराबबंदी को पूरी तरह से लागू करने के लिए सब सहयोग करे और ऐसे अपराधी को बचाने का खेल बंद करे। अरे सत्ता संरक्षित है तो बताए ना। मैं तो उस समय बताया था कि राजद के लोगों से जुड़ा हुआ कई प्रमाण मिला था, है अभी भी पूरी तहकीकात होगी। हमने तो पूरा उस समय विरोध किया था गोपालगंज में। आप एक शराब बनाने वाला माफिया को आपने उम्मीदवार बना दिया था, वह बॉर्डर क्षेत्र है सिवान छपरा गोपालगंज, ऐसे जगह पर सबसे ज्यादा इस तरह की घटना घटित हुई थी। मुजफ्फरपुर इस तरह के जगह पर ये खुल करके, क्योंकि शराबबंदी सबकी सहमति से हुई है, राजद के लोग भी समर्थन किए थे और भारतीय जनता पार्टी हम लोग भी थे, तो जब सबकी सहमति से पूर्ण शराबबंदी बिहार में हुई है तो सबकी जिम्मेवारी है कि ऐसे मानसिकता के अपराधियों के ऊपर दबिश बढ़े, संरक्षण का खेल नहीं हो और राजनीति न हो। ये शराबबंदी में जो माफिया इस तरह के खेल खेल रहे हैं उस पर सख्त कार्रवाई सरकार करेगी। उस संदर्भ में जिला प्रशासन ने कार्रवाई भी किया है, और जिला प्रशासन ने जो कार्रवाई किया है उसमें कुछ अधिकारियों पे प्रशासनिक कार्रवाई हुई है। तो जो कोई भी गलत काम करता है या गैर कानूनी काम करता है उस पर कानून संगत कार्रवाई होती है, और वो कानून संगत कार्रवाई यहाँ भी की जा रही है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि असामयिक मृत्यु किसी की जो होती है वो बहुत दुखद होता है। देखिए, ये बहुत बड़ा साजिश का शिकार शराबबंदी को बनाया जा रहा है। कुर्सी पाने के लिए सत्ता लोलुपता में लोगों के मौत से लोग खिल रहे हैं और थोथी बयानबाजी कर रहे हैं। विपक्ष जितना आज एक्टिव है जसोगान करने में, अगर उतना शराबबंदी के पक्ष में अगर एक्टिव होता और अपने लोगों को थोड़ा संभालता, थोड़ा शराबबंदी कराने में सरकार को सहयोग करता, तो आज शराबबंदी पूर्ण सफल होती। लेकिन ये तो बगल में राम और मुंह में राम और बगल में छुरी वाली कहावत चरितार्थ ये लोग कर रहा है। ये लोगों को शराबबंदी से मतलब नहीं है, कुर्सी के पुजारी ये लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा करने के लिए कह दिया है, जो ये घटना घटी है सिवान और छपरा में, बहुत जल्द जो अपराधी हैं वो पकड़े जाएंगे और उनको कठोर से कठोर सजा मिलेगी, वो बचने वाले नहीं हैं। यहाँ नीतीश कुमार के सरकार में दूध का दूध और पानी का पानी होता। देखिए, ऐतिहासिक जीत हुई है वहाँ पर,
और हरियाणा में ये जीत से जीतन राम मांझी ने आज ये कहा, पूरा बयान हम आपको सुनवाएंगे। जीतन राम मांझी ने तो ये कहा कि ये 13-14 करोड़ के प्रदेश है, ऐसी घटना होती रहती है। यही मांझी थे जिन्होंने शराबबंदी पर सवाल उठाया था, यही कहते थे कि पौवा पीने की इजाज़त मिलनी चाहिए। नेताओं के बयान में भी कैसे सत्ता और विपक्ष में रहने पर बदलाव आ जाता है, इसकी भी वानगी आप देखिएगा अगले एक घंटे की डिबेट में। लेकिन उससे पहले सवाल क्या है? सवाल है कि बिहार में शराबबंदी लागू है, उसके बावजूद कैसे जहरीली शराब मिल रही है? और ये एक महिला बता रही है कि जहरीली शराब मिलती कैसे है, हाथ में शराब का बकायदा पाउच रखकर बता रही है कि 100 रुपए में 6 पाउच मिलते हैं और पुलिस वालों की मिली भगत होती है। उसके पति की भी आंख चली गई है जहरीली शराब पीने से। जरा ये देखिए एक महिला का खुलासा। 5 रुपए कमाया, ये दारू जो पी, ये दारू है हा? ये दारू पीते हैं। अच्छा, कितना मिल रहे थे? 100 रुपए में 6 गो मिल रहा। 6 गो जी, ये दारू पी ले रही। अच्छा, ये वो कहाँ से मिल गलो? ये गो मिल लो ये थी में वो पी ले ये को धैले बने। अच्छा बताइए, पॉलिथीन में 100 रुपए में 6 पैकेट मिल रहे हैं, एक महिला कह रही है और ये पुलिस को नहीं दिखता। सवाल है कि बिहार में जहरीली शराब से मौत का जिम्मेदार कौन है, और सरकार में नीतीश है तो फिर विपक्ष पर आरोप क्यों? सत्ता में आप रहेंगे और जिम्मेदारी किसी और की? जहरीली शराब का अवैध कारोबार किसकी सहमति से चल रहा है? बिहार में शराबबंदी है तो फिर कैसे अवैध शराब बिक रही है? क्या आने वाले चुनाव को लेकर जहरीली शराब से मौत पर सियासत हो रही है, और सियासत के लिए क्या अब जहरीली शराब से मौत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा? अगर ऐसा है तो ये बेहद शर्मनाक है। हमारे साथ जो तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। नीरज कुमार हैं बिहार बीजेपी के प्रवक्ता, ज्योति कुमार सिंह हैं कांग्रेस प्रवक्ता, प्रियंका भारती हैं आरजेडी प्रवक्ता, डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव भी हमारे साथ जुड़ेंगे जेडीयू के प्रवक्ता, रास बिहारी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही एसीबी रिटायर्ड विदभूषण शर्मा, पूर्व पुलिस अधिकारी। लेकिन मैं सबसे पहले समझना चाहूँगा बीजेपी से सवाल, नीरज जी अगर आप नीरज जी जुड़ गए हैं तो। हाँ, बीजेपी आज कह रही, विजय सिन्हा का बयान सुन रहा हूँ मैं, वो कह रहे हैं कि भाई आरजेडी वाले करवा रहे हैं, विपक्ष वाले करवा रहे हैं। भाई सरकार आपकी आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, ये आपकी विफलता क्यों नहीं है? हम माने कर पा रहे हैं। मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर चलता हूँ। हाँ, 2022 में जब तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम हुआ करते थे इसी बिहार के, उस समय भी सिवान और छपरा में 90 से अधिक लोगों की मौत जहरीली शराब के कारण से हुई थी, और उस समय जो किंग पिन पकड़ाया था, शराब का बहुत बड़ा कारोबारी पकड़ाया था, अगर आप देख सकते हैं तो उसकी आप तस्वीर देखें, तेजस्वी और तेज प्रताप जी दोनों के साथ उसकी कितनी अंतरंग तस्वीर है, लग रहा है कि दोनों भाई, दोनों का ही सगा भाई हो, इस तरह से वो तस्वीर खिंचाते हैं। और रामायण नाम था उस अपराधी का, वही किंग पिन था। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये लोग बिहार की छवि को खराब करने के लिए, बिहार सरकार को बदनाम करने के लिए नीरज जी आप ये पुरानी तस्वीर 2 साल पहले की दिखा रहे हैं। पुलिस ने पकड़ा और इसको रामायण नाम के अपराधी को, भाई पकड़ा तो फिर कैसे उसी जगह पर कैसे हो गया नीरज जी? उसी जगह देखिए, कोई भी कानून अगर देश में दुनिया में कहीं भी बना हुआ है, मर्डर के लिए भी कानून बना हुआ है कि मर्डर नहीं होना है, लेकिन इक्का दुक्का कहीं लोग कर देते हैं। भ्रष्टाचार के लिए भी कानून बना हुआ है कि नहीं होना है, लेकिन अब लालू जैसे लोग चारा चोरी कर लेते हैं, तेजस्वी यादव जैसे जो नौकरी के बदले जमीन ले लेते हैं तो उनको सजा होती। इसी तरह से एक कानून है, इस कानून पर क्वेश्चन मार्क नहीं कह सकता। हाँ, इस कानून में कुछ लोग इसकी कानून को तोड़ने की कार्रवाई करते हैं, तो पुलिस उन पर भरपूर कार्रवाई कर रही है। मैं आपको बता दूं कि बिहार में प्रतिदिन लगभग 6,600 छापे पड़ते हैं, प्रतिदिन शराब पकड़ाई जाती है, और विपक्ष के लोग और एक नई पार्टी के कुछ लोग झूठा भरम जाल फैला रहा है कि शराब से बिहार को 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। अच्छा, जिस तरह शराब पर ये भ्रम है, ये भ्रम है नीरज जी, ये भ्रम है जी। भ्रम कैसे भ्रम? मैंने अपने दर्शकों से आज मैंने ये वादा किया है कि मैं यहाँ पर जो नेता है बिहार के, उन नेताओं की जुबान कैसे बदलती है सत्ता और विपक्ष में रहते हुए, ये इसकी भी मैं कलई खोलूंगा।
नीरज जी मैं बताता हूँ अब आप पीछे लेकर चले गए हैं तो पीछे लेकर आपको मैं लेकर चलता हूं। अमित मालवीय का ट्वीट है, बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय इसी 2022 के दौरान जब जिसकी घटना का जिक्र कर रहे हैं, उस दौरान आप दिसंबर 2022 में भी हुआ था ये कांड। नीतीश कुमार के ही कार्यकाल में बिहार में शराब का टर्नओवर 200 करोड़ से 4000 करोड़ तक पहुंचा था, ये ट्वीट अमित मालवीय का है, जाकर चेक कर लीजिएगा। जी, दावे के साथ कह रहा हूं। और सुन लीजिए सुशील मोदी जी का तो उनका निधन हो गया, लेकिन उन्होंने भी उस दौरान सवाल उठाया था और कहा था कि एक तरफ राजस्व का नुकसान हो रहा है, दूसरी तरफ 1000 लोगों की मौत हो गई है, समीक्षा क्यों नहीं कर रहे नीतीश कुमार। इसके अलावा संजय जायसवाल तब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा कहते हैं कि बहुत कमाई है इसलिए शॉर्टकट में पैसे कमाने के लिए कम उम्र के बच्चे भी शराब की खेप यहां से वहां पहुंचा रहे हैं, और उन्होंने तो पूरा बताया था, नेक्सस बताया था। तो भाई बीजेपी आप नहीं, अब आप कह रहे हैं भ्रम है, अब आपने दो साल पहले आपको भ्रम नहीं लग रहा था। सटीक उत्तर दे रहा हूं साहब जी, जिस समय शराबबंदी हुई थी उस समय तेजस्वी यादव जी की सरकार गठबंधन में थी, उस समय उनका वित्तीय प्रबंधन उतना बेहतरीन नहीं था, तो निश्चित रूप से तत्कालिक अध्यक्ष के लॉस होने की बात हो रही थी। भाई 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, प्लीज नीरज जी नहीं, ये बात नहीं चलेगा। आपने सर हो रहा था उसको दूर कर लिया गया। नीरज जी जवाब आपके पास ना हो तो कुछ भी मत बोलिए, मैं कह रहा हूँ जब आप सरकार में थे तब भी आपने सवाल उठाया था। संजय जायसवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद दिलाऊं, सत्ता में थे जी, तब भी संजय जायसवाल ने सवाल उठाया था, उन्होंने कहा था कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए और समीक्षा उसकी आज भी हो रही है। तो संजय जायसवाल झूठ बोल रहे थे, आज भी कर रहे हैं कि कानून के पालन में कहां कुछ कमी रह गई, किस कारण से घटना ये भ्रम थोड़ी है कि 20,000 करोड़ या 30,000 करोड़ की समानांतर अर्थव्यवस्था पहुंच गई, ये आपके नेताओं ने कहा था जब आप सत्ता में नहीं थे। तो विपक्ष में जब आते हैं तो आपको शराबबंदी में खोट नजर आने लगती है। उस समय वित्त मंत्री हमारे नहीं थे, लेकिन जब हमारे वित्त मंत्री आए, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ आपसे, जब हमारे पार्टी के वित्त मंत्री आए, अच्छा, उनके कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण से उस घाटे को हम लोगों ने दूर किया और आज बिहार विकास के रास्ते पर अग्रसर है। घाटे की बात ही नहीं है, अमित मालवीय जी और तमाम जो आपके नेता थे उस समय कहते थे कि शराबबंदी से जो समानांतर अर्थव्यवस्था 20,000 करोड़ की हो गई है, ठीक है, अब आप अपने बयान से पलटेंगे। मैंने क्या कहा कि एक घंटे की डिबेट में हर पार्टी के बयान पलटेंगे। चलिए मैं आता हूं नीरज जी, नहीं उत्तर ये होता कि हाँ हम जो पहले कहते थे उसी बात पर आज अड़िग हैं और वो पकड़े गए, शराब भी सरकार के खाते में जाते हैं। नहीं सर, चलिए अब अगली पार्टी की बारी आती है। प्रियंका भारती जी आइए, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रहते हैं तब उन्हें बहुत कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ ठीक है, कार्रवाई हो रही है, अब उन्हें खोट नजर आ रहा है ना, अब आप भी विपक्ष में हैं तो आपके सुर बदल गए। देखिए ये जो घटना हुआ है, सुर बदलने और ताल बदलने का जिक्र करने वाली घटना नहीं है, बेहद हृदय विदारक घटना है जिसके ऊपर हमें पूरी तरह से संवेदनशील होकर के बात करनी चाहिए। यहाँ इतने लोगों की हत्या हो गई है, ये मौत नहीं है, हत्याएं, क्योंकि पूरा का पूरा इको चेंबर इन लोगों ने बना रखा है पैरेलल इकोनॉमी चलाने का। आप मुझे बताइए, मुख्यमंत्री है ना बिहार के नीतीश कुमार जी, इतने लोगों की मृत्यु हो गई, कितने लोगों से मिलने के लिए गए, आज उनकी तस्वीर हर जगह चल रही है, पटना में ठहाके लगाते हुए घूम रहे हैं। यादव गए थे, डिप्टी सीएम थे तो बिल्कुल हमारे लोग गए थे मिलने के लिए, हमारे लोग, अरे हमारे लोग कौन होता है भाई, डिप्टी सीएम आप थे तो आपके गए थे, छपरा में मरे थे, सारण में 71 लोगों की मौत हुई थी 2022 में, हमारे लोग मिलने के लिए गए थे, हर जगह नेता पोस्टर में, आगे की पूरी झड़ी लगा रही हूँ ना, आप सुनने का थोड़ा सा सामर्थ्य रखिए। नहीं, यहाँ पर मैं दर्शकों की सुनता हूँ, आपके लोग गए थे, ये तो तब तो बीजेपी के लोग भी जा रहे हैं, जेडीयू के लोग भी जा रहे हैं, आपने क्या कहा नीतीश कुमार नहीं जाते हैं, अब आप मुझे बताइए कि तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम थे उन्होंने क्या कहा था कि कार्रवाई हो रही है, सुर बदलते हैं सत्ता और विपक्ष में जाके ये बोलते हैं कि पीएम का तुम्हारे पोल खुलती हुई ना, पोल आप सुनना चाह ही नहीं रहे हैं, बोलिए जा करके मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री ये बोल करके आएंगे कि पीएम का तो मरेगा ही, और उनके स्पोक्स पर्सन ये बोलेंगे कि 38 जिला है बिहार में, 38 में थोड़ी मर गया, इस तरह की भाषा, संवेदनहीन भाषा इस्तेमाल करेंगे। प्रियंका भारती जी आपकी याददाश्त के लिए मैं बता दूं, पियोगे तो मरोगे, जब बोल रहे थे नीतीश कुमार सदन में, मुझे भी याद है बगल में तेजस्वी यादव बैठे थे सदन में और मुस्कुरा रहे थे, ठीक है,
बगल में तेजस्वी यादव बैठे थे, तब अच्छा लग रहा था वो बयान। की बात कर रही हूँ, हम बिहार में ग्रोथ लाने के लिए, डेवलपमेंट लाने के लिए चुप थे। कई ऐसे वाक्य थे जिसपे हम नहीं बोले। 71 लोगों की मौत पर तब चुप थे क्योंकि कुर्सी थी, कुर्सी थी, कुर्सी प्यारी है, लोगों की जान प्यारी नहीं है, सियासत करते हैं। तेजस्वी यादव, ज्योति कुमार सिंह, ठीक है, अगला नंबर कांग्रेस का, ज्योति कुमार सिंह। मैंने पहले दर्शकों को कहा था कि एक घंटा में सब पार्टियों की पोल खुलेगी। तो मुझे आगे से आप मत बुलाया करिए, अगर सुनना चाहते हैं तो सवाल पूछिए, फिर जवाब लीजिए। मैं सवाल आपकी सहूलियत से नहीं पूछता हूँ, दिक्कत मेरे साथ ये है। अब आपको समझ नहीं आ रहा है तो अलग बात है, अब आपकी सहूलियत के हिसाब से मैं पूछूं। तेजस्वी यादव आज जो सवाल उठा रहे हैं, वो तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रहते सवाल क्यों नहीं उठाए? आपका काम होगा झा जी फालतू का समय बर्बाद करना, मैं मुझे इसके लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं। प्रियंका भारती जी, मेरा काम है दर्शकों के सामने सच रखना। बीजेपी के भी हमने पोल खोली, बीजेपी जब सत्ता में नहीं थी तो अच्छा लग रहा था कि शराबबंदी पर सवाल उठा रहे हैं। अब आप बताइए, हर पार्टी बीजेपी में, बिहार में तो वही है, कभी सत्ता में कभी विपक्ष में। हाँ चलिए बताइए, ज्योति कुमार सिंह जी, मैं आ रहा हूं, दोबारा आऊंगा, ऐसा नहीं है, एक घंटे का डिबेट है। ज्योति कुमार सिंह जी, ये सवाल उठाना भी ऐसा लग रहा है ना पार्टियों का कि नौटंकी होती है, ड्रामा होता है। भाई आप सत्ता में रहते हैं, आपको शराबबंदी अच्छी लगने लगती है, आप कहते हैं सब ठीक है, कार्रवाई होगी, सब हो रहा है, अच्छा हो रहा है। आप भी सत्ता में रहते हैं नीतीश जी के साथ तो सब अच्छा लगने लगता है, विपक्ष में होते हैं तो इस तरह की घटना होती है तो कहते हैं भाई ये फेल है, चौपट है, सब कुछ खत्म है। अनम्यूट कर लीजिए ज्योति कुमार जी। अनम्यूट है जी, जी बोलिए, अब आवाज आ रही है। सुमित झा जी, जी आज जो आपने विषय उठाया है ये आज से नहीं बहुत दिनों से एक गंभीर मामला है। आप लगातार, चूंकि एक प्रबुद्ध पत्रकार हैं, एंकर हैं, आप काफी करीब से चीजों को देखकर एनालिसिस करके बताते भी हैं प्रोग्राम से पहले, आप देख रहे होंगे कि इसमें जो जिन लोगों की मौत होती है शराब पीने से, उन लोगों का स्टेटस क्या है। वो सारे स्टेटस के लोग आप देखेंगे बिलो पॉवर्टी लाइन के है, पॉवर्टी लाइन पर भी नहीं है वो। कांग्रेस पार्टी कहती है कि अगर इस तरह के घटना में कोई भी आदमी लिप्त होता है तो आप उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। इस बात को सुमित जी आप भी जानते हैं कि ये जो शराबबंदी का जो मामला था ये नीतीश कुमार जी की सोच थी और उसको उन्होंने प्रस्तावित किया और सब लोगों ने इसको पास कराया। जब नीतीश कुमार जी इतने आगे बढ़कर और उनकी एक सोच थी, तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे सुमित झा जी, आपके माध्यम से जेडीयू और बीजेपी के नेताओं से, कि जेडीयू के एमएलए गोपाल मंडल कहते हैं कि जो अजय मंडल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो गलत शराब बनाने का कार्य करते थे और उनके खेत में अफीम की खेती होती है, उन पर एफआईआर पुलिस क्यों नहीं करती है? वो फिर आरजेडी के साथ तेजस्वी की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जो पकड़े गया किंग पिन वो तेजस्वी यादव के साथ है, तो इसका मतलब मान लें कि सियासी नेताओं की पूरी बात सुन होता है, सियासी नेताओं की मिली भगत होती है। सुमित जी मेरी पूरी बात सुन लें, उसके बाद आप रिएक्ट करेंगे, आपके सवाल ले लूंगा मैं। फिर अजय मंडल कहते हैं कि ये जो गोपाल मंडल विधायक हैं, ये झारखंड से आते हैं पानी पीकर और नशे में कुछ कुछ बोल देते हैं। मैं कहता हूं, और भारतीय जनता पार्टी के एक विधायिका भागीरथी देवी, वो खुलेआम बोलती हैं, 2023 में ही बोली हैं कि नीतीश कुमार गांजा पीते हैं। अगर नीतीश कुमार गांजा नहीं पीते हैं तो भागीरथी पर क्यों नहीं किया एफआईआर कराया, अगर करती है तो पुलिस नीतीश कुमार पर एफआईआर क्यों नहीं किया। तो जो नशे का खेल है ये कहां से शुरू होता है? आप गंभीर मुद्दे को छोड़कर आप इधर उधर जा रहे हैं, आप जब तक गंभीर बातों पर नहीं आएंगे कि ये कहां जाएंगे आप। गंभीरता आप लोगों में देखिए, ज्योति कुमार जी आप वरिष्ठ नेता हैं, मैं ये कह रहा हूं कि गंभीरता कैसे लोग उम्मीद करें आप तमाम सियासी पार्टियों से, कि भाई आपके बयान में इतना इतनी तेजी से बदलाव होता है
कि कल को तो बीजेपी वाले कहते हैं कि ये तो फेल है। नहीं नहीं एक सेकंड सुन लीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं जो कहना चाह रहा हूँ शराबबंदी पर एक सुर में तेजस्वी यादव कभी कहते हैं कि आज देखिए विपक्ष में है तो चौपट है, फेल है, सब कुछ है, बीजेपी बचाव कर रही है, यही बीजेपी विपक्ष में रहती है तो कहती है साहब चौपट है, फेल है, आरजेडी बचाओ। नीतीश कुमार एक ही जगह, जेडीयू वाले एक ही जगह है ना। आप मेरे इस सवाल को नहीं जवाब लेने दे रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी से पूछें, मैं आपसे सवाल मैं सबसे पूछ रहा हूं साहब। कांग्रेस भी सत्ता में रहती है नीतीश कुमार जी के साथ, ज्योति कुमार जी, कांग्रेस भी सत्ता में रहती है नीतीश जी के साथ तो बड़ा अच्छा लगता है। भले ही मैं जो सवाल उठाया उसको इधर उधर कर दें, लेकिन 13 करोड़ जनता बिहार की यही पूछती है कि FIR बड़े लोगों पर क्यों नहीं होती है, जब इस तरह के मामले जो कोई विधायक बिल्कुल सरकार में चाहे कोई भी हो FIR क्यों नहीं होती, ये बड़ा सवाल है, बिल्कुल ये बड़ा सवाल है। नीरज कुमार जी ठीक है, चलिए ठीक है, ये लोग जानते हैं। चलिए नीरज कुमार जी, अब सब देखिए विपक्ष में आप रहते हैं, आप सवाल पूछते हैं, अब वो विपक्ष में है उनको सवाल पूछने का हक है, अब सवाल लेकिन दोनों सरकार में, दोनों तेजस्वी यादव रहे डिप्टी सीएम, कांग्रेस सत्ता में रही नीतीश जी के साथ, या आप रहे, नीतीश जी तो रहे हमेशा, इस तरह की घटना में क्या मुझे नहीं याद है, मैं मुझे करेक्ट कर लीजिए अगर आप, थानेदार लेवल तक तो हुई है कार्रवाई, मुझे जहां तक याद है चौकीदार के खिलाफ भी कार्रवाई हुई, DSP रैंक या SP रैंक के खिलाफ कोई अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई हो तो मुझे याद दिला दीजिए। पर भी कार्रवाई हुई है हाँ, लेकिन मुझे एक उदाहरण दीजिए, हुई है नहीं उदाहरण दीजिए, सुन लीजिए सर, इसी विषय पर रहते हुए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब बिहार में शराबबंदी नहीं थी 2016 के पहले, उस समय शराब के कारण से इससे कई गुना ज्यादा मौतें हुआ करती थी, चाहे वो रोड एक्सीडेंट हो, चाहे वो, तो आप इस मौत को जस्टिफाई कर रहे हैं, आप इस मौत को जस्टिफाई कर रहे हैं, देखिए नहीं एक सेकंड नीरज जी नहीं सवालों को नहीं, मैं नहीं नीरज जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कार्रवाई के नाम पर क्या हुई है, और अभी भी 51 लोगों की मौत हुई है, कार्रवाई के नाम पर क्या हुई है, 51 लोगों की मौत जहरीली शराब के कारण से हुई है, कार्रवाई के नाम पर क्या हो रही है मुझे बताइए। इसके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ, लेकिन लोगों को भी समझना होगा कि अगर कानून कोई है तो पीने वाले और पिलाने वाले दोनों दोषी हैं, दोनों कानून की नजर में दोषी हैं। अच्छा, पीने वाले पिलाने वाले, एक सेकंड सर नीरज जी, जरा समझिए कानून आपने लागू किया है ना, अब तो आपसी सहमति करवा देते भाई, पीने वाला अपना देख लो, पीना मत मर जाओगे, अब सबको पता है शराब पियोगे तो मरोगे, बीमार पड़ोगे, है ना, बिल्कुल पता है, तो आप कानून लागू ही मत करो, पिलाने वाले भी नहीं बेचेंगे, कोई पिएगा नहीं, ये क्या है, पियोगे तो आप, एक सेकंड मैं आपसे पूछ रहा हूं कार्रवाई के नाम पर क्या हुई है, क्या DSP SP लेवल के अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं बनती है उसके जिले में इतने बड़े पैमाने पर जहरीली शराब मिल रही है, बिक रही है, विफलता नहीं है उसकी, उत्पाद विभाग के अधिकारियों पर, उत्पाद विभाग के DSP के अधिकारियों पर कई पे कार्रवाई लगातार होते रहती मुझे है। एक उदाहरण मैं तो कह रहा हूँ, मुझे कर लीजिए एक उदाहरण बताइए, मुझे नहीं याद है, लेकिन आप ये भी, लेकिन सर आप ये भी समझें, इस देश में और भी बहुत सारे कानून बने हुए हैं, लेकिन कुछ एक लोग उसका उल्लंघन कर बैठते हैं, मतलब कतई नहीं उस कानून को समाप्त कर दिया जाए, ये तो विषय ही नहीं होना चाहिए, एक जिम्मेदार मीडिया, कानून आप लागू करिए, कानून आप लागू करिए, लेकिन कानून की समीक्षा की बात आपके नेता कहते थे, आपके ही नेता कहते थे समीक्षा की बात, अब क्यों नहीं आप कह रहे हैं, समीक्षा तो नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक बुलाया, कल भी बुलाया, नहीं कानून की समीक्षा, कानून की समीक्षा जी, इसके इसके कानून के पालन में अगर कहीं कोई त्रुटि है तो उसको दूर करने का हम लोग हर कानून की समीक्षा होनी चाहिए, आप यहाँ इस मंच से कह रहे हैं, नेशनल टेलीविजन पर आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन में कहीं कोई कमी अगर है तो उसके लिए समीक्षा बैठक होती है, ज्योति कुमार जी दूर करेंगे या करने, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं इस कानून को समाप्त कर दिया जाएगा, इस कानून को बदल दिया जाएगा, इस मुगालते में कोई नहीं रहे, बड़ा स्पष्ट रहिए, इस मुगालते में कोई नहीं रहे, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में, हर कानून का इम्प्लीमेंटेशन में, चलिए ठीक है, वेदभूषण जी मैं आपके पास आऊंगा, इम्प्लीमेंटेशन में कमी रह गई भाई, इम्प्लीमेंट तो पुलिस करती है, तो पुलिस कहीं ना कहीं लचर है, या फिर पुलिस पर दबाव है, सियासी दबाव उन पर नहीं है, देखिए सुमित जी, शराब वेदभूषण शर्मा जी हैं, पूर्व IPS हैं, इनसे सवाल है जी, देखिए सुमित जी, शराब जमीन पर ही पैदा होती है, जमीन पर ही बेची जाती है, सैकड़ों लाखों करोड़ का ये बिजनेस है, अभी दिल्ली के CM
जो बहुत बड़ा स्टेट हमारा राजधानी है, वहाँ के सीएम कई महीने इसी शराब की वजह से जेल लेकर आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस की, प्रशासन की नेग्लिजेंस है या कनाइवेंस है, या तो उनकी मिलीभगत है या लापरवाही। लापरवाही तो हो नहीं सकती, क्योंकि ऐसी चीज तो है नहीं कि बिल्कुल छुपके इतनी सीक्रेटली बेची जा रही है, कोई इसको देख ना सके, पता ना लगा सके। एक आम सिपाही को पता लग जाता है कि उसके इलाके में कौन लोग शराब के विक्रेता हैं और कौन खरीदार हैं, क्योंकि इसके खरीदार कोई हाई प्रोफाइल बड़ी कोठियों में रहने वाले, प्लेन में चलने वाले लोग नहीं होते। लेबर तबका और गरीब तबका इसका खरीदार होता है, इसकी इससे जिसके पीने से उनकी तमाम जो आंखों की रोशनी चली जाना, मौत हो जाना। और बिहार का ही नहीं, पूरे बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर देखे गए, प्रोविशन लाया गया, शराबबंदी लगाई गई। गुजरात है, बिहार है और तमाम स्टेट के अंदर आज़ादी के बाद कोशिश की गई, परंतु लगभग फेल रहे। उसका एक वजह जो समझ में आती है वो प्रोविशन लॉज जो थे बहुत ही कमजोर हैं, बेलेबल ऑफेंस है। यदि आज इसको इतना सख्त बना दिया जाए कि इसको मर्डर माना जाएगा, तो फिर किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि शराब का सख्त बनाया गया था, लेकिन बाद में उसे संशोधन करके थोड़ा नरम किया गया कि भाई पीने वाले को थोड़ा अगर थाने से ही जमानत। सवाल यह है कि पीने यहाँ पर किंगपिन जो बड़े माफिया हैं, जो शराब के सप्लायर हैं, वहां तक पुलिस की नहीं पहुंच पाती है। हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ सुमित जी, के कारण यही है कि क्योंकि इसके अंदर बहुत पैसा इन्वॉल्व है। हाँ। इलेक्शन आते हैं तो देखें किस तरह से शराब इलेक्शन की तमाम पार्टियां। हाँ। इसमें कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी का सवाल नहीं है, तमाम पार्टीज के टाइम में हुस ट्रेजडी हुई है, पूरे इंडिया में हुई है। एक दूसरे पर तोहमत लगाए कि तुम्हारे टाइम में अच्छा था, हमारे टाइम में खराब है, वो सब झूठ बोलने के। आपने सही कहा कि पैसा बहुत है तो इसलिए सिस्टम ऊपर से नीचे तक मिला हुआ है। 2019 में इसी बिहार के अंदर 100 से ऊपर डेथ हुई थी, तो बहुत लंबा चौड़ा आंकड़ा है। आंकड़ों पर जाएंगे तो सभी पार्टियों का बिल्कुल नंगे हो जाएंगी तमाम पार्टियां। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से इसको रोका जाए या शराबबंदी खत्म कर दी जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट शराबबंदी फेल हो चुकी है गुजरात में। अब तो फेल है भाई, यहाँ इससे ज्यादा फेल क्या, मुझे लगता है 2016 के बाद से अब तक हजार की मौत हो चुकी होगी। आप गुजरात में देखें, महाराष्ट्र के पास जितने भी बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ शाम को तमाम शराब पीने वाले लोग अपनी कार में, स्कूटर में, पैदल बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं और खूब आराम से शराब पीते हैं। तो ये ठीक है, राज बिहारी जी मैं आता हूँ उसके पास, लेकिन उससे पहले निहोरा जी जुड़ गए हैं, जेडीयू के प्रवक्ता। निहोरा जी देखिए, बीजेपी वालों से मैं ये पूछ सकता हूँ कि भाई आप इससे पहले विपक्ष में थे तो आप सवाल उठाते थे नीतीश जी पर। आरजेडी वालों से मैंने पूछा तो आरजेडी की प्रियंका भारती तो चली ही गई, उनको लग रहा था कि मेरे मुताबिक सवाल पूछे। मैंने पूछा कि डिप्टी सीएम जब आप थे तब आप क्यों नहीं सवाल उठा रहे थे, आप विपक्ष में हैं तो आपको सवाल उठना, क्योंकि उस समय भी छपरा में ही कांड हुआ था। भाई नीतीश कुमार तो हैं कुर्सी पर, ये लोग इधर उधर अदला बदली होती रही, इन लोगों से चलिए सवाल हम पूछ सकते हैं, ये लोग के सुर बदले। आप तो कुर्सी पर हैं और आपने शराबबंदी लागू की ये कहकर कि हम शराबबंदी लागू करके बिहार में सब कुछ अच्छा कर रहेंगे, ये अच्छा हो रहा है। और एक के बाद 2022 में इसी छपरा में हुआ था, सिवान में, और फिर से 2 साल बाद, और फिर उसी मशरक से निकलते हैं कनेक्शन। सुमित जी नमस्ते, पहले आपको जी नमस्ते। जो सवाल आपने उठाया है शराबबंदी में जो घटना घटी सिवान और छपरा में, ये तो दुखद घटना है ही, लेकिन सरकार ने जो सोशल रिफॉर्म इसको कहिए, महात्मा गांधी और स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों पर जो बिहार में शराबबंदी किया गया है, उसमें ऑल पार्टियों की सहमति से किया गया। और इतना ही नहीं, इस समय कानून ही सिर्फ नहीं बनाया गया बल्कि जागरूकता भी पैदा किया गया बिहार में, ह्यूमन चेन बनाया गया, पार्टी के लोगों ने गांव-गांव जाकर समझाया गीतों के माध्यम से। ठीक है, हमारा इतना ही कहना है। मैं समझ गया, इतना सब कुछ किया फिर भी लोग मर रहे हैं क्योंकि आपका सिस्टम फेल है। अरे सुनिए, सिस्टम कैसे फेल है सुमित जी, सिस्टम कैसे कैसे नहीं फेल है, कितना कैसे नहीं सिस्टम आपका फेल है, कैसे नहीं आपकी पुलिस फेल है। शराबबंदी नहीं है वहां, जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं कि नहीं,
जरा पाकला निकालिए। तो वहां भी सिस्टम फेल है, वहां भी सिस्टम फेल है, जहां भी जहरीली शराब से मौत हो रही है। लेकिन ये हर साल का, हर साल की कहानी है भाई। आपके यहाँ आप सिस्टम इसको फेल कहिएगा, हाँ, तो सिस्टम बढ़िया किसको कहिएगा? अच्छा, तो अपराध रोकने के लिए कानून बना है, हाँ, फिर भी अपराध होता है, तो सिस्टम मुझे बताइए, मुझे बताइए क्या कोई जिम्मेदार नहीं है? अरे जिम्मेदार पाउच में एक महिला दिखा रही है कि पाउच में शराब मिल रही है, कोई जिम्मेदार नहीं है? सुनिए तो पहले, दिक्कत यही आप लोगों के साथ है। हमारा ये कहना है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां चिल्ला रहे हैं उनका भी दायित्व बनता है कि लोगों को कैसे समझाएं। वो तो एक्सपोज यहाँ पर मैंने कर दिया और एक्सपोज हो चुके हैं, अब दर्शक जानते हैं। मैंने पहले ही कहा बीजेपी आरजेडी पर मत जाइए, देखिए राजनीतिक में मैं आपको कह रहा हूँ, सरकार में आप हैं सर। निहोरा जी देखिए, तुम्हें जी शराबबंदी से कितने फायदा बिहार को हुआ सर? फायदा नहीं, नहीं अच्छी बात है, फायदा जाकर ना उस घर में जाकर गिनाइए जिस गरीब के यहाँ मातम पसरा हुआ है। और गरीब के यहाँ क्यों मौत होती है? वो पाउच जो मिलता है, वो पाउच पीकर मरते हैं लोग, और पाउच बिकता कैसे है खुलेआम? पुलिस वालों की मिली भगत नहीं होती है क्या? या पुलिस वालों का फेल्योर नहीं है? यहाँ आप कहेंगे सिस्टम हमारा बढ़िया है। जिस समय शराब खुला हुआ था उस समय भी गृह आपराधिक हत्या हुआ करता था, शराब पीकर आता था अपनी पत्नी की हत्या कर देता था, उस समय भी तो घटना होती थी। उस समय भी आप ही थे, मैंने वही तो कहा, नीतीश जी ही तो थे। थे नहीं, कोई भी रहे, जो आप तर्क दे रहे हैं कि शराबबंदी से ऐसे हो रहा है, आप शराबबंदी को है तो लागू करें। रास बिहारी जी मैं आपको लाऊंगा, आज भी वैसी घटनाएं घट रही है। सरकार और प्रशासन, ये क्या कैजुअल अप्रोच आपको नजर आ रहा है रास बिहारी जी? और हम कोशिश कर रहे हैं, जो जिन लोगों ने भी किया है, हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, गिरफ्तार किया है, कार्रवाई कर रही है, और साहब इतना बड़ा निर्णय। अच्छा, कार्रवाई के नाम पर मुझे बताइए, मैं निहोरा जी कार्रवाई के नाम पर मुझे बताइए, अब तक मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, कोई डीएसपी रैंक एसपी रैंक के अधिकारी पर कार्रवाई हुई है? नहीं, अगर गलती करेगा तो जरूर गलती क्या मतलब एसपी अच्छा एसपी और डीएसपी के थाना तो एसपी और डीएसपी के इलाके में इतने बड़े पैमाने पर जहरीले शराब बिक रहे हैं, उसकी कोई जवाबदेही नहीं अधिकारी है उस थाने में, जिस थाने में ऐसा हुआ है या होता है, वैसे एक नहीं दर्जनों अधिकारियों को निलंबित किया गया, सजा दी गई, उस पर एफआईआर किया गया। ठीक है सर, मैंने मान लिया कि क्या एसपी साहब और डीएसपी साहब की जिम्मेदारी नहीं बनती है? वो क्या कुर्सी तोड़ने के लिए वहां बैठते हैं क्या? जिम्मेदारी तो आपका भी बनता है। हाँ, तो मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ ना आपसे सवाल पूछकर। बिहार के हैं आप, अपनी जिम्मेदारी निभाइए निहोरा जी, सरकार की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। राज बिहारी, ठीक है सर, मैं आता हूँ, जवाब नहीं। चलिए ठीक है, जवाब नहीं। जिम्मेदारी तो हर व्यक्ति का है, हर नागरिक का जिम्मेदारी है। नहीं नहीं, हर नागरिक की जिम्मेदारी है, वो पिलाने वालों की भी जिम्मेदारी है कि वो बढ़िया पाउच लेकर पिलाए, है ना? नहीं, हर नागरिक की जिम्मेदारी है। सिस्टम आप बढ़िया कहेंगे, आप कहेंगे सिस्टम हमारा बढ़िया है। राज बिहारी जी, मुझे बोलने देंगे? मैं आ रहा हूँ सर। राज बिहारी जी बहुत देर से बैठे हुए, सॉरी सर। राज बिहारी जी, क्या ये कैजुअल अप्रोच सरकार का? देखिए, हमने राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं की बात सुनी, आरोप और प्रत्यारोप के अलावा ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि बिहार में कोई भी राज्य हो, अगर जहरीली शराब से मौत होती है, कार्रवाई की बात तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही अपना बचाव भी कर रहे हैं। बात यह है कि शराब का एक पूरा तंत्र है, चाहे नकली शराब हो, चाहे ठेके पे मिलते उस शराब का हो, और वो तंत्र इतना मजबूत तंत्र है कि बनाने वाले से लेकर और बेचने वाले तक एक पूरा तंत्र जिसपे एक राजनीतिक बर्दाश्ती शामिल है। और देखिए, सबसे बड़ी ईमानदारी की बात तो यह है कि अगर आप शराब के कारोबारी जो हैं, चाहे वो टेंडर लेते हो, चाहे शराब के ठेके चलाते हो, वो पुलिस प्रशासन और नेताओं की हर महीना एक बदा बदाया पैसा देते हैं। जहां तक बिहार की बात है, बिहार में तो शराब की होम डिलीवरी भी है, और ये होम डिलीवरी सिर्फ गांवों में नहीं है, बड़े बड़े शहरों में, पटना में भी है, जो बिहार की राजधानी है, सबको पता है। और कितने लोग इस शराबबंदी में, कोई भी पार्टी हो, उसके कितने नेता पैसे वाले बने हैं, उनके कितने धंधे हैं, उनके कितने
ट्रक चलते हैं, दारू की सप्लाई होती है, ये तो सब सबको पता है, मीडिया में रोजाना आता है, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। निहोरा जी पूछ रहे हैं, नाम 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 पूछ रहे हैं, नाम भी बता दीजिए ना, कम से कम नाम तो आपके पुलिस वालों को पता है, प्रशासन को पता है, आपके नेताओं को भी पता है, कार्रवाई देखे। मैं पहले कह रहा हूँ, ये पता होगा निहोरा जी को भी पता होगा, मैं जानता हूँ निहोरा जी को भी पता होगा, ये सब उनको पता है कि बिहार के मुख्यमंत्री ऐसा शोक छवि वाला कोई मुख्यमंत्री नहीं है, ये मुझको पता है। अगर कोई आरोप लगाते हैं कि मुख्यमंत्री के कोनाइमेंस है तो सत्य प्रतिशत गलत है। ये बिहार ही नहीं, देश के लोग जानते हैं नीतीश कुमार के बारे में, ऐसे स्वच्छ छवि वाले नीतीश कुमार नहीं, नीतीश कुमार क्या अकेले सब कुछ कर लेंगे क्या? नहीं, अकेले कैसे कर लेंगे, जहरीली शराब कहीं बिक रही है तो नीतीश कुमार जाके पकड़ेंगे कि आपकी पुलिस पकड़ेगी जी? तो वही तो कह रहा हूँ, आपकी पुलिस निकम्मी है, आपकी पुलिस निकम्मी है, मैं कह रहा हूँ आपकी पुलिस निकम्मी है। सारण में मैं इसलिए निकम्मी कह रहा हूँ क्योंकि जिस मशरख में, जिस सारण में 2 साल पहले 71 मौत हुई हो, उसी मशरख उसी सारण में 2 साल बाद फिर ये स्थिति और ये आप कह रहे हैं फेलियर नहीं है, ये हास्यास्पद बयान है आपका। राज बिहारी जी अपनी बात पूरी कीजिए, मैं उसके बाद फिर ज्योति जी के पास जाऊंगा और नीरज जी के पास, ठीक है सर। निहोरा जी देखिए, इतना स्वीकार करने की हिम्मत होनी चाहिए कि हाँ हुआ है, चूक हुई है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। राज बिहारी जी अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद देखिए कोई भी राज्य हो जहाँ शासन में बैठे हुए लोग हैं वो अपनी गलती को नहीं मान सकते। ये एक खुला तथ्य है कि अगर बिहार में शराबबंदी है तो वहां पर अवैध शराब भी बिकती है, शराब की तस्करी जमकर होती है, ठीक है। और अभी हाल ही में एक रिपोर्ट ये प्रकाशित हुई थी कि एक ब्रांड जो बिहार में सबसे ज्यादा चलता है वो इतना बिकता है कि कंपनी जो ब्रांड जो उसका उत्पादन करती है वो उसका उतना उत्पादन नहीं करती है। ये और सारे भी ब्रांडों में है, और भी राज्यों में तस्करी करके शराब बिकती है, क्योंकि महिला को मैं दिखा रहा हूँ, एक महिला का वीडियो है, पाउच पॉलिथीन में पाउच वो दिखा रही है, और ये हैरान करने वाला। एक बार फिर से वो चला सके, एक बार दिखा सके, निहोरा जी भी सुन ले, नहीं निहोरा जी आप सुन लीजिए, उस महिला को सुन लीजिए, महिला आपके सिस्टम की पोल खोल रही है। ये दारू पी ले रही है? अच्छा, ये और वो कहाँ से मिल गेलो? एगो मिलल हम एथी में, वो पी ले ये बधैले बने। अच्छा, ताली बजाएं क्या निहोरा जी आपके सिस्टम पर की काबिलियत पर? 100 रुपया में 6 गो, 100 रुपया में 6 गो, महिला बोले 100 रुपया में 6 मिलती है, सुन लीजिए, पाउच बिक्री हो रही है 100 रुपया में। टोल फ्री नंबर सरकार ने दिए है कि जो ऐसा बेचता है आप, मतलब आपकी पुलिस अंधी है क्या? क्या बात करें निहोरा जी, टोल फ्री नंबर, एक सेकंड, नहीं नहीं, अरे भाई पाउच 100 रुपया में 6 पाउच ऐसे मिल रहे हैं, खुलेआम मिल रहे हैं, और आपकी पुलिस क्या कुर्सी तोड़ने के लिए है भाई, थाने में बैठने के लिए क्या? आपकी पुलिस क्या इतनी निकम्मी है कि जाकर गश्त नहीं कर सकती? आपकी पुलिस गश्त नहीं करती है क्या? आपकी पुलिस क्या कर रही है? आपकी पुलिस करती क्या है फिर? आप क्या, हम पॉलिटिकल पार्टी क्या लोग कर रहे हैं? हम आम जनता फोन कर दे, आम जनता बता दे, आम जनता अपराधी का जगह बता दे, लोकेशन बता दे, आपकी पुलिस क्या कर रही है? एक महिला के हाथ में वो शराब की पाउच, एक महिला के हाथ में शराब का पाउच हाथ लग जाता है, एक महिला को शराब का पाउच मिल जाता है, और आपकी पुलिस को कुछ नहीं मिलता? हमारी पुलिस छापेमारी करके शराब उधर झारखंड, छापेमारी कितनी छापेमारी की आपने? कोई छापेमारी नहीं की। छापेमारी करते तो 71 मौत 2022 में, और अभी फिर 50 से ज्यादा मौत, ये छापेमारी का नतीजा है? आपका सिस्टम निकम्मा हो चुका है शराबबंदी मामले में, मानिए, आपकी पुलिस निकम्मी हो चुकी है, मानिए। आप कानून लागू करते रहिए, ढोल बजाते रहिए, उससे कुछ नहीं होगा। ज्योति कुमार सिंह जी, और ये महिला का वीडियो आपके सिस्टम पर करारा तमाचा है, ये तमाचा है। तो महिला के परिवार, ज्योति कुमार सिंह जी, हुआ होगा मृत्यु तो स्वाभाविक है,
ज्योति कुमार सिंह जी स्वाभाविक नहीं सर, वो पूरा पूरी कहानी बता रही है सर कि वो 100 रुपए में 6 पाउच मिलता है, पूरी की कहानी है। तब इतना इतना भी आप जो भोलापन दिखा रहे हैं निहोरा जी, अच्छी बात है, भोले आदमी है, मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, लेकिन उस पार्टी से आते हैं ना, उस पार्टी में इतने भोले लोग नहीं होंगे, सरकार के सिस्टम में इतने भोले लोग नहीं होंगे जो एक महिला दिखा रही है। ये आपके सिस्टम पर करारा तमाचा है, 100 रुपए में 6 पाउच मिल रहा है, महिला बता रही है, पूरा सिस्टम समझा रही है। तो भाई ये है ना, ये नाकामी है और आप मान नहीं रहे। ज्योति कुमार सिंह जल्दी से, ज्योति कुमार सिंह जी, हम उससे इनकार नहीं कर रहे हैं, हमारा इतना ही कहना है कि एक घटना घटी उसके बाद जो तो सवाल इन्हीं से पूछा जाएगा। ज्योति कुमार जी जल्दी सरकार में है, अगर ये सरकार में है तो क्या बोले जा रहे हैं, सरकार संभल नहीं रही है, लोगों का हिफाजत नहीं कर सकते और अनाप शनाप बात कर रहे हैं। अरे चुप रही है, हो गया, निकम्मापन का हल है, चुप रही है, लोगों की बात सुनिए, आप सुनिए मेरी बात को, आप हो गया, मेरी बात सुमित झा जी सुनिए, अगर ये सरकार में है तो सवाल इनसे पूछा जाएगा। अगर ये बोलते हैं झारखंड से शराब आती है तो बिहार के बॉर्डर पर आपकी पुलिस क्या करती है, अगर लोग मर रहे हैं तो केवल गरीब लोग क्यों मर रहे हैं, अगर आपके एमएलए एक एमएलए आपके एमपी पर अगर और एमएलए पर अगर आरोप लगाते हैं तो उस पर एफआईआर करके उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते हैं, आप गरीबों को गिरफ्तार क्यों करते हैं, अगर कोई गरीब के नवादा में आग लगती है तो गरीबों के घर में लगती है, महिलाओं के शराब बिचवाती है और लोगों को मारने का प्रयास करती है, बिल्कुल गलत आरोप, बिल्कुल गलत आरोप, एफआईआर होना चाहिए। नीरज जी, नीरज जी, नीरज जी, और अगर कांग्रेस पार्टी पर लिखता है तो कांग्रेस पार्टी पर भी एफआईआर हो, क्यों नहीं कर रहे एफआईआर, क्योंकि आप तो एफआईआर कर नहीं सकते, क्योंकि आपके नेता आपके नेताओं पर गांजा पीने जैसे आरोप लगाते हैं और आप उन पर एफआईआर नहीं कर, क्यों नहीं आप नीतीश कुमार उस महिला भागीरथी देवी पर एफआईआर करते अगर बात गलत है तो, और क्यों नहीं पुलिस एफआईआर करती है नीतीश कुमार पर अगर वो गांजा पीते हैं। ठीक है, ठीक है, जवाब जवाब निहोरा जी, निहोरा जी जल्दी से। नहीं नहीं, हम जवाब ये कर रहे हैं कि जरा उनसे पूछिए, पर मैं शायद रिटायर पुलिस पदाधिकारी है ना, नहीं 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 कांग्रेस के प्रवक्ता हैं ज्योति कुमार सिंह, आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, ज्योति कुमार सिंह आप अभी तो 50 मरा है सर, गोपाल यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है निहोरा जी, तमिलनाडु के बारे में बताइए, बंगाल के बारे में पूछो, बिहार चले जाइए, ये 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 नहीं नहीं ये दर्शक ज्योति कुमार जी शराबबंदी खोल दी जाए पूछ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हम हमसे नहीं संभल रहा है तो खोल दी जाए। देखिए अगर अगर ये जनमत था, लोगों की इच्छा थी बंद हो, लेकिन अगर ये कानून बना है तो नीतीश कुमार को इस कानून की सख्ती से इसका उपयोग करना चाहिए और जो बड़े पदों पर बैठे होते हैं तब भी तब सख्ती से होता है ना ज्योति कुमार जी, ठीक है ना। चलिए आप सर, आप बहस के आखिरी पड़ाव पर मैं हूँ, बहस के आखिरी पड़ाव पर, नीरज जी, नीरज जी, नीरज जी सर देखिए, अब थोड़ा बहस के आखिरी पड़ाव पर, बीजेपी जेडीयू आरजेडी से नहीं है, वो लोग जानते हैं, ठीक है आपकी मजबूरी है, आप लोगों की नेताओं की मजबूरी होती है, लेकिन यहाँ पर क्लियर है कि ये पार्टी स्तर पर बात नहीं है या सरकार, ये सिस्टम फेल्योर है, आपके नेता भी सवाल इसी तरह से उठाते थे, संजय जायसवाल भी इसको नहीं कहेंगे, 98% बंदी है, 2% लोग चोरी छुपा का अपराधी किस्म के लोग, अवैध व्यापारी लोग, स्मगलिंग करके इस तरह काम कर लेते हैं। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको दो चीज बताना चाहूंगा। एक आपने पहला प्रश्न पूछा था कि डीएसपी स्तर के किस अधिकारी का नाम बताइए इस पर कार्रवाई हुई हो, मैं उदाहरण देता हूँ, पटना के टाउन डीएसपी कैलाश प्रसाद पर कार्रवाई हुई थी 2020 में ही साहब। अच्छा, आप अपना डाटा ठीक देख लीजिए, 2020 में हुई थी, उसके बाद जहरीली शराब से 71 लोगों की मौत सारण में हुई जी, ठीक है, बहुत सारण के कौन से डीएसपी पर कार्रवाई हुई, सारण के कौन से डीएसपी पर कार्रवाई हुई, मैं तो कह रहा हूँ 71 लोगों की मौत, 50 लोगों की मौत होती है, और क्या थानेदार भी, अभी तो थानेदार पर भी कार्रवाई नहीं हुई यहाँ पर सारण में, सिवान में पुलिस वाले भी वहाँ सस्पेंड हुए, पुलिस सब इंस्पेक्टर और कुछ चौकीदार वहाँ सस्पेंड हुए, चौकीदार
वही कह रहा हूँ चौकीदार सर, बड़ी मछली नहीं पकड़ी जाती है। और एक बात और जान लीजिए सर, जी बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहना चाह रहा हूँ कि महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध में 37.5% मैं भी कह रहा हूँ आप शराबबंदी लागू करके रखिए, लेकिन ठोस तरीके से लागू करिए, कमाई का जरिया मत बनाइए माफियाओं को, गुंडों को। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, यहीं खत्म कर रहा हूँ। सॉरी माफी चाहता हूँ, समय कम होने के कारण यहीं पर खत्म करना पड़ेगा। कमाई का जरिया कुछ माफियाओं, कुछ गुंडों, कुछ नेताओं को भी हो सकता है, लेकिन उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? वो गरीब लोग जिनके यहाँ 400-500 कमाने वाला आदमी 100-150 का पाउच पीता है और मर जाता है।